हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे की रिक्रूटमेंट आई हुई थी 2020 की सेंट्रल रेलवे द्वारा। ग्रुप सी की पोस्ट थी, इसमें सभी वेरियस पोस्टों पर ही भर्ती निकाली गई थी। फ्रेंड्स, आज उन सभी छात्रों का इंटरव्यू होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं बताने वाला हूँ किन किन छात्रों का इंटरव्यू होगा और किस तरह से इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, किस मोड के थ्रू इंटरव्यू होगा, क्या आपको जाना पड़ेगा या आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं, अपने वीडियो को लाइक कर दो। और इंटरव्यू के समय आपको किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली, वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। टेक्निकल हिंदू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है मैं रेलवे की पल पल की अपडेट और साथ ही ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी आती है सबसे पहले अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से क्लिक करके इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इंटरव्यू। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो पोस्ट थी वो आपकी स्टाफ नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, सफाई वाली की पोस्ट थी। इसके फॉर्म 6 अप्रैल को भरे गए थे। अब फ्रेंड्स, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को फ्रेंड्स सभी छात्रों का इंटरव्यू होने वाला है, जो आपका 10 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक इंटरव्यू चलने वाला है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इंटरव्यू आपका जो होगा, क्या वो इंटरव्यू आपका कहीं जाना होगा या आपका जो इंटरव्यू है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो छात्र इंटरव्यू देंगे, ठीक है, वो प्लीज जिन जिन छात्रों का इंटरव्यू हो जाए वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि किन किन छात्रों का इंटरव्यू हो गया है, ठीक है। और जिनका भी इंटरव्यू हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो उनसे क्या क्या पूछा गया था, ठीक है, और उन्होंने क्या बताया आपको इंटरव्यू के लेकर, ठीक है। इंटरव्यू फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू आज होगा सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम के होगा। और व्हाट्सएप नंबर ये है आपकी, व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू तो आपका हो गया क्लियर कि आपका इंटरव्यू व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको जो है व्हाट्सएप पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि किन किन छात्रों का इंटरव्यू होगा, तो मैं आपको बता दूं जिन जिन छात्रों ने फॉर्म को फिलअप किया था, बहुत से छात्र ये कह रहे थे कि सर मैं हमारे फॉर्म में ये गलती हो गई, हमने कैटेगरी नंबर नहीं डाला, हमने छोटे लेटर में बड़े लेटर में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जिन जिन का छात्रों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है उन सभी छात्रों का इंटरव्यू होने वाला है। अब बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर एक दिन में कैसे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक इंसान ही वहां पर इंटरव्यू नहीं लेगा, तमाम अधिकारी लोग बैठे होंगे, वो सभी जितने भी आए होंगे फॉर्म उन सभी का इंटरव्यू लेंगे बारी बारी से, ठीक है। अगर एक दिन में इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाते तो उसके अगले दिन इंटरव्यू लिए जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इंटरव्यू किन किन छात्रों का होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जिन छात्रों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उन छात्रों का इंटरव्यू होगा, जिनका रिजेक्ट हो गया उनका इंटरव्यू नहीं होगा। क्योंकि बहुत से छात्र ये कह रहे थे कि सर हमें फॉर्म तो भर दिया लेकिन कोई भी रिप्लाई रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं आया, तो किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा तो जरूर आपके पास कॉल आएगी, कोई ना कोई आपको जानकारी दी जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इंटरव्यू के समय आप अपने घर पर ही होंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप एक तो हाई स्कूल की मार्कशीट अपने पास रखिएगा ओरिजिनल, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, जनरल ओबीसी एससी वाले कैंडिडेट, एसटी वाले कैंडिडेट। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो एनओसी जरूर रखिएगा अपने पास। अगर आपने कहीं नौकरी की है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रख लेना, और जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी है, जितनी भी पढ़ाई कर रखी है, उनकी सभी ओरिजिनल मार्कशीट, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह अपने पास रखिएगा, क्योंकि नहीं पता वो कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग ले, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि इंटरव्यू किस तरह से होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो इंटरव्यू आपका होगा, जो 10th लेवल से वैकेंसी थी, जिस तरह से यहाँ पर देखिएगा जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, ठीक है, 3 ईयर का जीएनएम का डिप्लोमा मांगा गया है इसमें। अगर जीएनएम नहीं है तो बीएससी नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो जो पूछा जाएगा, कुछ बेसिक पूछा जाएगा और आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा, लाइक जिस तरह से जीएनएम के बारे में पूछा जाएगा कि आपको जीएनएम में क्या आता है, किस तरह से वर्क होता है, ये सभी पूछा जाएगा। हेल्थ इंस्पेक्टर के बारे में, बीएससी में आपके केमिस्ट्री आपके ये जो है मस्ट है, अब केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ फार्मासिस्ट के लिए 10+2 साइंस होने चाहिए, 2 वर्ष का फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए। तो फार्मेसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो हाई स्कूल से वैकेंसी थी, ठीक है, जिन्होंने हाई स्कूल से फॉर्म को भरा था उसको बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है, हाई स्कूल लेवल तक का कुछ भी साइंस वगैरह कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी मैथ का फॉर्मूला वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, और बेसिक जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आज आपका इंटरव्यू है, जिन जिन छात्रों का इंटरव्यू हो
प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और मैं आशा करूंगा सभी छात्र बताएंगे। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।